हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द पायनियर क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फ्री, आखिर ये फ्री है क्या? फ्री बता रहे हैं क्या है? देखिए, ये बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025, जो भी छात्र 2025 में क्लास टेंथ, कौन से बच्चे के लिए है बाबू? ये क्लास टेंथ वाले बच्चे के लिए है। ये टॉपर बैच है। क्या है ये? टॉपर बैच। जो भी छात्र 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन लोगों के लिए फ्री बैच है। क्या है? फ्री बैच है, जिसमें आपको डेली नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन डेली टेस्ट होगा, ठीक है। और अलग अलग फैकल्टी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी आपको क्या कराएंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस 2025 के लिए है और बिल्कुल फ्री। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए और दिखाते हैं। जैसा देखिए, थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, ये समीर सर आपको साइंस, SST और मैथ्स, ये तीनों ही कंप्लीट कराएंगे और प्रॉपर रूप से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पैनल PDF दिए जाएंगे और जो भी PPT बनाया जाएगा उसको दिया जाएगा और टेस्ट लिया जाएगा हर सैटरडे टू सैटरडे, ठीक है। और डेली लाइव क्लासेस चलती है शाम सात से आठ समीर सर की लाइव क्लासेस चलती है और 8 से 9 हम आपका, देखिए, इंग्लिश लिटरेचर हम आपके साथ डील करते हैं। तो डेली फ्री में ऑन यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। क्या है? बिल्कुल फ्री है। 7 से 8 समीर सर और 8 से 9 मैं जो इंग्लिश लिटरेचर आपके साथ डील करते हैं। ऑलरेडी इंग्लिश में आपका 2 या 3 क्लासेस पढ़ा भी चुके हैं और समीर सर भी 2 या 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। और आज हम एक नए सर से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में पहले से आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा काफ़ी वेट कर रहे थे, ये राजू सर। आज हम आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं, राजू सर से वेट कराएंगे, थोड़ा सा मिलवाएंगे कि आपके राजू सर क्या कंप्लीट कराएंगे, संस्कृत और हिंदी। तो हम राजू सर को बुलाएंगे, उसके बाद अपना बताएंगे कैसे क्या कंप्लीट कराएंगे। और इनका बैच जो होगा, देखिए, 7 से 8 समित सर, 8 से 9 मेरा हो जाएगा इंग्लिश लिटरेचर और 9 से 10 राजू सर का हो जाएगा संस्कृत। बाकी राजू सर आगे खुद बताएंगे उनको कब क्लास लेंगे, कब क्लास नहीं लेंगे। तो शाम 7 बजे डेली आना नहीं भूले बाबू। उसके बाद देखिए, ये आज आपके सामने राजू सर आएंगे, जो आपको पूरा कंप्लीट रूप से बताएंगे, जो संस्कृत और हिंदी पढ़ाएंगे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। ये टॉपर बैच, कौन सा बैच है? ये टॉपर बैच मैट्रिक परीक्षार्थी, जो भी परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, मैट्रिक 2025 में देना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री है। उसके लिए आपको थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे जब भी नोटिफिकेशन जाए तो आपको पता चले कि हाँ, समीर सर का या गोलू सर का या राजू सर का क्लास होने वाला है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा राजू सर को बुलाएंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे राजू सर, ठीक है। तो अब राजू सर आएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे पूरा संस्कृत कैसे क्या करेंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा बुला रहे हैं राजू सर, आइए सर, थोड़ा सा बताइए बच्चों लोग। नमस्कार बच्चों, सबको बहुत बहुत परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द पायनियर क्लासेस में। मैं आप सभी का राजू सर और मैं आपको संस्कृत और हिंदी दो सब्जेक्ट आपका ले करके चलूँगा। क्या? संस्कृत और हिंदी। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हम पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारा प्यूसम, ये संस्कृत जो है हमारी बुक्स है, प्यूसम द्वितीय भाग कक्षा 10 के लिए। इसके अंदर ये हमारे चैप्टर आते हैं, आपने देखा होगा, मंगलम, भारत महिमा, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णम, पाटलिपुत्र एवं अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारतीय संस्कार, कर्म वीर कथा, स्वामी दयानंद, व्याघ्रपति कर्णस्य दानवीरता, विश्व शांति और शास्त्र कला। ये आपके संस्कृत विषय के पाठ हैं। जो पद्य भाग जो श्लोक में होता है, पद्य भाग हमारा जो श्लोक के माध्यम से दिया गया है, तो उसमें आपका मंगलम है, भारत महिमा है, नीति श्लोका है और मंदाकिनी वर्णम है।
इन चारों पाठों में आपको श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों के आपको अर्थ बताए जाएंगे। और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, या और इसके जो अर्थ है इन श्लोकों को, आपको बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा, जिससे आपके दिमाग में ये पूरी तरीके से बैठ जाए। इसके अलावा ये गद्य भाग में, इसको दो भागों में बांट दिया गया, पद्य भाग और गद्य भाग, पद्य भाग और गद्य भाग। तो पद्य भाग में आपने समझा कि इसमें श्लोक होते हैं, जैसे मंगलम, भारत महिमा, नीति श्लोका और मंदाकिनी वर्णम। गद्य भाग में आपका पाटलिपुत्र वैभव है, जो पाटलिपुत्र के बारे में बताएगा कि किस प्रकार इसका विकास हुआ, किस प्रकार इसका नाम पड़ा। अलस कथा ये कहानी है आपकी आलसियों की, जो आपको समझने के लिए मिलेंगी कि क्या किस प्रकार उन्होंने अपना कार्य करते। संस्कृत साहित्य लेखिका में, संस्कृत में योगदान देने वाली लेखिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संस्कार में हमारे जीवन में कितने संस्कार हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। करमवीर कथा में बताया जाएगा कि कैसे एक युवक जो है अपनी गरीबी की हालत को झेलते हुए, है कि नहीं, एक उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। स्वामी दयानंद में आपको आर्य समाज के बारे में बताया जाएगा कि शिक्षा में इनका कितना बड़ा योगदान है। व्याघ्रपति कथा ये कहानी है आपकी एक, जो बताती है कि लोभ में नहीं पढ़ना चाहिए। कर्णस्य दान वीरता है, जो ये दिखाता है कि कोई दानवीर होता है जो सब कुछ सत्य और धर्म के लिए दान कर देता है। ये विश्व शांति के बारे में भी चर्चा किया जाएगा कि संसार में किस प्रकार शांति को स्थापित किया जाए, और शास्त्रों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अलस कथा ये दिख रहा है आपको, उसके बाद व्याघ्रपति कथा और कर्णस्य दान वीरता, ये कहानियों से और पुराणों ग्रंथों से लिया गया है। अब बात करते हैं आपके कि क्या पूछा जाता है। तो आपने कई सालों से एग्जाम को देख रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन हल करने होते हैं, 100 में 50 ही हल करने होते हैं, 100 वो भी सावधानी पूर्वक, जिसमें आपको 20 जो है आपके बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 जो है आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं। कभी कभी ये भी 25 पूछा जाता है, ये भी 25 पूछा जाता है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। पर ऐसा माना जाता है कि 20 क्वेश्चन बुक से रहते हैं और 30 व्याकरण से आपको रहते हैं, तो ये आपको पूरी तरीके से हल करने पड़ते हैं, है कि नहीं। बात करें आपका सब्जेक्टिव का, आपका सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में भी आपको गद्यांश रहता है। क्या रहता है? गद्यांश दिया रहता है, जिससे आपको 20 नंबर का गद्यांश हो जाता है। उसके बाद आपका, कहने का मेरा मतलब है कि बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 20 नंबर का रहता है, और जो व्याकरण से पूछे जाते हैं वो 30 नंबर का रहता है। तो 50 नंबर को यहाँ से उठा लेना है, और 50 नंबर यहाँ से उठा करके मैट्रिक 2025 में टॉपर बेस में आपको 100 में 100 अंक लाने हैं, 100 में 100 अंक लाने हैं। आपको देखिए, ये बुक्स के साथ साथ आपके संस्कृत व्याकरण में आपको धातु रूप के बारे में बताएंगे कि धातु रूप कितने होते हैं, 10 होते हैं। शब्द रूपों के बारे में बताएंगे, अकारांत, इकारांत, है कि नहीं। उसके बाद संधि, संधि के प्रकार आपको बताए जाएंगे, समास के बारे में समझाया जाएगा, कारक के चिन्ह और कारक पर उपयोग करके अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं ये भी आपको बताए जाएंगे। फिर प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, इसके बारे में भी आपको डिटेल से समझाया जाएगा। अनुच्छेद लेखन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, लेख लिखना, वो संस्कृत में भी आपको लेख लिखना सिखाया जाएगा। फिर पत्र कैसे लिखा जाता है संस्कृत में, ये भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा गद्यांश को पढ़ करके कैसे आपको जवाब देने हैं उन सवालों के, ये भी आपको बताया जाएगा, जो उससे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद अनुवाद की बात करें, तो अनुवाद में आपको छोटे से छोटे और उलझे से उलझे हुए, यानी हर प्रकार के अनुवाद को बनाना सिखाया जाएगा, जिससे आप अनुवाद को आसानी से बना सके। उसके बाद जो कुछ रह जाएगा उसके बारे में भी आपसे चर्चा की जाएगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं जल्द ही आपको पायनियर क्लासेस पर रात को 9 से 10 आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद सभी का। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, राजू सर कैसे आपके साथ आकर संस्कृत का डिस्कस किए, संस्कृत का सिलेबस डिस्कस किए, और जैसा राजू सर ने बताया है
जैसे राजू सर ने ये बताया है कि ये बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर ये टॉपर बैच है, 100 में 100 अंक बोले हैं लाने के लिए, तो एकदम 100 में 100 अंक बोले हैं तो 100 में 100 एकदम 100% आएंगे। बस आप ईमानदारी से रेगुलर पूर्वक रहिएगा, इंट्रोडक्शन क्लास है उसके बाद देखिएगा। ये है, फिर से एक बार बता रहे हैं, ये जिसमें समीर सर आपका साइंस SST और संस्कृत, साइंस SST और साइंस लेते हैं, और राजू सर आप भी अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं, पूरा बुक पढ़ाएंगे, उसके बाद ग्रामर भी पढ़ाएंगे, संस्कृत व्याकरण जो होता है उसको पूरा कंप्लीट एकदम समय। तो यूट्यूब पर एकदम बिल्कुल फ्री और कंप्लीट बैच है 2025 के लिए, और हम आपके लिए क्या इंग्लिश लिटरेचर चलिए रहा है तो हालाँकि समीर सर का क्लास डेली रेगुलर ऑन यूट्यूब पर नहीं भूलिएगा, 7 से 8 समीर सर का, और शाम 7 से 8 सुबह में नहीं, मॉर्निंग नहीं बाबू, शाम 7 से 8 समीर सर, और 8 से 9 संस्कृत चलता है, और 9 से 10 आपके राजू सर लेंगे संस्कृत और व्याकरण दोनों कवर कराएंगे। और क्या बोलते हैं, और जैसा आप लोग ने सिलेबस के बारे में समझा कि सिलेबस पूरा ये बुक है जिसमें 2 भाग हैं, गद पद और सिलेबस डिस्कस किए राहुल सर, और ये गारंटी दिए, क्या गारंटी दिए राहुल सर ने कि 100 out of 100 आप 100 out of 100 लाइएगा बाबू, ये राहुल सर की गारंटी, ये हमारी पूरे टीम की गारंटी है कि आपका 100 out of 100 लाएँ, 100 out of 100 एक भी मार्क्स नहीं कटने देंगे हम। तो बाकी के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको राजू सर से मिलके कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और शाम डेली 7 बजे रेगुलर क्लास करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं, जय हिंद जय भारत, ठीक है।